नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल। हम रोज सुबह आपको बता दें कि आपका दिन कैसे बीतेगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे बीतेगा। ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाले सप्ताह में आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे बीतेगा आपका 2 से 9 जुलाई तक का यह सफर। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि मेष की, तो जिस चीज के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो उसे हासिल करने का सुनहरा मौका है। पेशेवर मोर्चे पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आप संतुष्ट रहेंगे। दूर की यात्रा थका देने वाली साबित हो सकती है। व्यायाम में अनियमितता का असर आपके स्वास्थ्य पर दिखने की संभावना है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 6 है, जबकि आपका शुभ रंग है गहरा हरा। वृषभ, करियर के मोर्चे पर आसान विकल्प ढूंढना इस समय सही नहीं होगा। कार्यस्थल पर आपकी सहयोगी प्रवृत्ति की सराहना की जा सकती है। वित्तीय मामले में साझेदारी से किए गए काम से भविष्य में अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। आप में से कुछ लोग अपने प्यार के साथ बहुमूल्य समय व्यतीत कर सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है पीला। मिथुन, कार्यस्थल पर पूर्ण समर्पण दिखाने की जरूरत है, अन्यथा कोई आपको किनारे धकेल सकता है। सामाजिक लोगों से जुड़ सकते हैं, कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपके अंदर छुपे हुए प्यार की भावनाओं को जगा देगा। बढ़ता खर्च आर्थिक मोर्चे पर संरक्षण के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग है हल्का हरा। बात करेंगे राशि कर्क की, आप किसी के लिए जीतने वाला घोड़ा साबित हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। प्यार के साथ वक्त गुजार सकते हैं और जो किसी बीमारी से ग्रस्त है उनके स्वास्थ्य में इस सप्ताह तेजी से सुधार संभव है। पैसा निवेश करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। काम को लेकर सावधान रहें, आपकी गलती पकड़ी जा सकती है। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक 7 है, जबकि आपका शुभ रंग है मैजेंटा। बात करेंगे राशि सिंह की, रोमांटिक मोर्चे पर जिससे लेकर आपके मन में प्यार है उसकी तरफ से ठंडी प्रतिक्रिया आ सकती है, लेकिन आप निराश बिल्कुल ना हो। आप किसी अनजाने लोगों के साथ यात्रा पर जाने के लिए मजबूर है और संभव है कि इस यात्रा का मजा आप ले भी ना पाए। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद आपका मूड बिगाड़ सकता है। आपके लिए इस सप्ताह का शुभ अंक 3 है, जबकि शुभ रंग है गुलाबी। कन्या, कार्यस्थल पर आप किसी बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। किसी अप्रत्याशित लाभ के कारण आपके जीवन में आर्थिक हरियाली आने की भी संभावना है। आप अपने साथी के समक्ष अपनी भावनाएं जाहिर करने में सक्षम हो सकते हैं। आप किसी बड़े घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक 2 है, जबकि शुभ रंग है पिच। तुला, रोमांटिक मोर्चे पर अपने साथी को मनाने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत हो सकती है। वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए आप नए अवसर तलाश सकते हैं। बीमार लोग अब स्वास्थ्य के सबसे बेहतरीन दौर का आनंद उठाएंगे। शैक्षणिक मोर्चे पर आपके प्रयास की सराहना की जा सकती है। आपके लिए सप्ताह का शुभ अंक 15 है, जबकि शुभ रंग कॉफी है। वृश्चिक, परिस्थिति को सुधारने के लिए चालबाजी से काम लिया तब भी समस्या का निदान हो सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ लोगों को रिझाने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर आप उच्च स्तर पर जा सकते हैं। किसी अनजान स्रोत से आपको धन लाभ भी हो सकता है। वैवाहिक मामले में खुशखबरी मिल सकती है। आपके लिए सप्ताह का शुभ अंक 5 है, जबकि शुभ रंग है लवेंडर कलर। धनु, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली परिस्थिति रहेगी, इसलिए पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए संभव है कि आप आपकी चीजों में अन्य चीजों में कटौती करें। स्वास्थ्य के मामले में आप तंदुरुस्त और ऊर्जावान बने रहेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जाने की भी संभावना है। आपके लिए इस सप्ताह का शुभ अंक 15 है, जबकि शुभ रंग है गहरा गुलाबी। मकर, जो लोग किसी खास मामले की वार्ता कर रहे हैं उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पेशेवर मोर्चे पर आप उम्मीद से बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च और लालच के मोह से निकलकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बरकरार रख सकते हैं। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ अंक 18 है, जबकि आपका शुभ रंग है क्रीम। बात करेंगे राशि कुंभ की, ऊंचाई को छू चुके शख्स के नक्शे कदम पर चलने की आप कोशिश कर सकते हैं। जिस पर आप अभी तक आंख मूंद कर विश्वास करते थे वो आपको मझधार में छोड़कर जा सकता है। अतीत की यादों में खोकर आप भावनात्मक भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की चिंता न करना आपको परेशान कर सकता है। आपके लिए इस सप्ताह का शुभ अंक 4 है, जबकि शुभ रंग है डार्क ग्रे। मीन,
करियर के मोर्चे पर जिस काम के लिए आपको लोगों की सही प्रतिक्रिया मिल रही है उससे अलग करने में कोई बुराई नहीं है। विरासत से धन लाभ की संभावना है। सामाजिक मोर्चे पर आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगने की पूर्ण संभावना है। आप प्रियजनों के साथ मस्तीपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए खास मौका हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह का शुभ अंक 2 है जबकि शुभ रंग है मरून। तो ये था आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा ये विस्तार से जानने के लिए बस आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट webdunia.com पर, या आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें जहाँ भविष्य के साथ ही आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो इसके लिए कल्याणकारी उपाय भी बताए गए हैं। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दैनिक भविष्यफल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।